खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको बता दें कि साक्षी और अजितेश हाईकोर्ट पहुंचे। अजितेश के ऊपर हमला हुआ, कोर्ट रूम ने ये पूरी सुनवाई हुई और कोर्ट ने ये कहा कि साक्षी और अजितेश बालिग हैं, इसलिए उन्हें पूरा अधिकार है कि वो शादी कर सकते हैं। साक्षी और अजितेश के मामले में इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। कोर्ट का जो भी जैसा भी आदेश होगा वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इस समय बड़ी खबर यह है कि अजितेश ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है और इस बात की पुष्टि की है कि उसके साथ कोर्ट परिसर में मारपीट की गई। वकीलों पर अजितेश ने मारपीट का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको दे दें, अभी तक वकीलों के हवाले से यह खबर आ रही थी कि कोर्ट परिसर में अजितेश के ऊपर हमला बोला गया, लेकिन अब हम आपको बता दें एबीपी न्यूज ने अजितेश से बात करी और अजितेश का कहना है कि पुलिस सुरक्षा के बावजूद उसके साथ मारपीट की गई। वरुण जैन हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। वरुण, अब तो अजितेश ने भी ये कहा कि उसके ऊपर हमला किया गया, तो सुरक्षा पर बड़े सवाल जरूर खड़े होते हैं इस हमले के बाद। से बिल्कुल खुद हमारी अजितेश से बात हुई है। अजितेश ने बताया कि उसके ऊपर कोर्ट प्रमाइसिस के अंदर उसकी पत्नी की साक्षी के ऊपर और उसके पिता के ऊपर हमला हुआ है। हालांकि उन्होंने हमसे बातचीत में ये भी कहा कि ये जो हमला है वकीलों ने किया है, करीब 200 की संख्या में थे और वो बेहद ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। साथ ही आपको इस बीच एक ये जानकारी और दे दूं कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो गया है। कोर्ट ने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस है उनको बोला है कि यहाँ से साक्षी और उनके पति को जहां भी जाना है पुलिस उनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया है कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित करें। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दे दिया गया है कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित की जाए, यानी कि अब जो पुलिस है वो असेसमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट असेसमेंट करेगी कि उनको कितनी सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, कितनी सिक्योर। हालांकि पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी पहले ही दी गई है, तो क्या सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है? ऐसी कई चीजें हैं जिस पर जो स्टेट है वो अब जो कमेटी बैठती है वो देखेगा। तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर इस मामले में कर दिया गया है। जो एप्लीकेशन साक्षी और अजितेश की तरफ से लगाई गई थी कि उनकी जान को खतरा और उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, दी जानी चाहिए, तो कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आ गया है। रही बात हमले की, तो अजितेश खुद हमारी बात हुई है, जब वो कोर्ट प्रमाइसिस के अंदर थे तब उनके ऊपर, उनके पिता के ऊपर और उनकी पत्नी के ऊपर ये हमला किया गया है। और उनका जब बातचीत हुई उसमें काफी डरे हुए थे। उनका कहना था कि अगर हम कोर्ट प्रमाइसिस के अंदर ही सुरक्षित नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जान को कितना खतरा है। अब और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो सिक्योरिटी में जो पुलिसकर्मी उनके साथ तैनात थे उनके ऊपर भी हमला किया गया, यानी कि जो सिक्योरिटी उनको बचाने के लिए साथ में लगाई गई थी उनकी ही पिटाई कर दी गई। तो बेहद अपने आप में गंभीर मामला है। कोर्ट ने भी कोर्ट रूम के अंदर इस पर खासी जो नाराजगी है वो जाहिर की। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इस मामले पे तलब किया। जी वरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये साक्षी और अजितेश का क्या कहना है? अब कोर्ट में उनको सुरक्षा तो मुहैया कराई गई है, लेकिन सुरक्षित वो कितना है ये तो सबके सामने है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा पता लग पाया कि अब ये दोनों जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आखिर कहीं भी सुरक्षित नहीं है ये दोनों? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कोर्ट प्रमाइसिस के अंदर ये घटना हुई है वाकई में बेहद चौंकाने वाला है और इन दोनों की सुरक्षा पर बेहद गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि कोर्ट प्रमाइसिस के अंदर हमला हुआ, सवाल इसलिए भी क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस सिक्योरिटी के अंदर उनके ऊपर हमला हुआ है। तो अब जरूरत है कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, उनको असेसमेंट करनी पड़ेगी इनकी सिक्योरिटी की। अगर जो चार पुलिसकर्मी जो सिक्योरिटी उनको दी गई थी उस सिक्योरिटी के अंदर ही ये दोनों सुरक्षित नहीं थे तो इनको सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, इनकी सुरक्षा में किस तरह के कमांडोज को लगाया जाए, कितनी संख्या होनी चाहिए, ये तो पुलिस को डिसाइड करना होगा। क्योंकि कोर्ट ने भी बेहद नाराजगी जाहिर करी, कोर्ट प्रमाइसिस के अंदर इस तरीके से हमला होना और लगातार साक्षी और जो अजितेश है वो ये बात कह ही रहे थे कि उनकी जान को खतरा है और इसी को लेकर वो इतने दिनों से छुप रहे थे, कभी एक शहर से दूसरे शहर दर दर की ठोकरें खा रहे थे और कहीं ना कहीं इस बात पर मोहर लग गई कि वाकई में इनकी जो जान है उसको बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन अगर कोई पुलिस की सिक्योरिटी में सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहाँ सुरक्षित होंगे? अगर वो बरेली जाए या किसी भी शहर में जाए जो ढूंढने वाले हैं वो तो उनको ढूंढ ही लेंगे, और अगर पुलिस की सुरक्षा विफल हो गई, पुलिस की सुरक्षा घेरे के अंदर ही ये पूरा का पूरा हमला हो गया तो अपने आप में बेहद गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और पुलिस के जो अधिकारी है उनको सिक्योरिटी को रिव्यू करना पड़ेगा और इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से उनकी जो सिक्योरिटी है उसको दुरुस्त किया जाए। जी और इस समय हमारे साथ राजेश मिश्रा साक्षी के सीधे जुड़ रहे हैं। राजेश जी, साक्षी और अजितेश कोर्ट में पहुंचे हैं, अजितेश के ऊपर हमला हो जाता है, उनको पीटने की कोशिश की जाती है, आपकी बेटी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने घर पे बैठा हूं,
घर से ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। हमें वकील जो वहाँ पर मौके पर मौजूद है उन्होंने हमें बताया कि आप कोर्ट परिसर में कोर्ट रूम में अंदर मौजूद है।